दोस्तों जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी बहुत कृपा करेंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 12वां सर्ग का वर्णन करूंगा, इसे सुनाऊंगा। इस महाग्रंथ का ये बालकांड का 12वां सर्ग है, इसका इसे सुने और इसका धर्म लाभ उठाए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा सुनने से। तो दोस्तों आज अभी मैंने सभी देवी देवताओं का आह्वान कर लिया है, हनुमान जी भी यही विराजे हैं, मेरे बाबा नीम करोली जी का भी और सभी अन्य देवी देवताओं का मैंने आह्वान कर लिया है। और रामायण का पाठ मैं ऐसे जब भी सुनाता हूँ तो सभी देवी देवताओं का आह्वान करके ही, वे हनुमान जी जब आते हैं मुझे एहसास हो जाता है, मेरे यहाँ सामने ही बैठे हैं इधर रामायण के बगल में। तो दोस्तों अभी शुरू करते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 12वां सर्ग। राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ का आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग की को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए, भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तब राजा ने कहा, सुमंत्र तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजनों को बुला ले आओ। सुयज्ञ वामदेव जाबली कश्यप पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तब शीघ्र गामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। मैं ऋषियों में पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान करूँ। इसी संकल्प से के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा चार अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों को से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। सरयू के साथ उत्तर तट पर यज्ञ भूमि निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रम से शांति कर्म पुण्यावाचक आदि का विचार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे
विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो तब बहुत अच्छा। कहकर सभी मंत्रियों ने राजा राजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नरश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चल दिए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल्य में गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य में बालकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान बजरंगबली, जय बाबानी गोविंद महाराज जी की जय, श्री रामायण जी की जय हो। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड का 12वां सर्ग पूरा हुआ है। कल मैं आपको इसका 13वां सर्ग सुनाऊंगा, तो इसे लगातार सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इनकी नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। दोस्तों, तो अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की, जय हनुमान बजरंगबली की, जय जय श्री राम। हे मेरे भगवान, जय बाबा नीम करले महाराज जी।